अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत मिस कर रहा था मैं। हम लोग शूट कर रहे थे शिमला में तो आ नहीं पाए थे, तो अभी वापस हैं सिनेमा में और इतने जो फिल्म फैंस हैं, फिल्म लवर्स हैं, उनके बीच में यहाँ पे आके फील्स ग्रेट। कहा जाता है कि यहाँ पे एकदम अलग तरह की फिल्में दिखाई जाती है जो कि मतलब यंग डायरेक्टर्स के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन। जी जी जी, अलग तरह की नहीं दिखाई जाती, वर्ल्ड वाइड सिनेमा दिखाया जाता है जो हम वैसे नहीं देख पाते हैं अमूमन। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हम बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिलता है हमें, और कुछ बहुत ही जो ग्रेट डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड सिनेमा के, उनकी फिल्म आती हैं, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक फिल्म लवर के लिए। जी, ये तो है फिल्म फेस्टिवल की बात, अभी दिवाली आ रही है तो क्या दिवाली फेस्टिवल की बात। जी जी, किस तरह से एंजॉय करने वाले हो, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हो? एंजॉय, आई एम लिविंग फॉर केप टाउन टुमारो। मैं हमारी अधूरी कहानी की शूट के लिए जा रहा हूँ, तो उसमें अभी तो दिवाली केप टाउन में ही मनाई जाएगी, तो घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, पर अच्छा है फिल्म सेट पर रहेंगे। आई थिंक कर्म ही पूजा है। अभी डॉली की डॉली है जो फेब में रिलीज है, फिर शिमला मिर्ची है रमेश सिप्पी सर के साथ, फिर एक हमारी अधूरी कहानी में एक स्पेशल अपीयरेंस है वो मैं कर रहा हूँ। सर, डॉली की डॉली कहा जा रहा है कॉमेडी फिल्म है, तो पहली बार आप कॉमेडी फिल्म कर रहे थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया। एक बहुत ही लाइट हार्टेड सी स्वीट फिल्म है, और आफ्टर स्पेशली आफ्टर सिटी लाइट्स और शाहिद की कायपोचे जैसी कुछ बहुत यू नो चैलेंजिंग और टफ पार्ट्स करने के बाद डॉली की डॉली जैसी एक लाइट फिल्म थी, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद क्या लगता है, ऑफर्स ऑफर्स तो पहले भी आ रहे थे और टच वुड अभी भी आ रहे हैं, चॉइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं अभी, और राइट थोड़े ऑप्शन ज़्यादा हैं अभी चूज़ करने के लिए। और कौन सा सर जॉनर में आप फिल्म करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने ड्रामा कर ली, कॉमेडी कर ली? ड्रामा हो गया, कॉमेडी हो गया, अभी शिमला मिर्ची है वो एक लव स्टोरी है, तो उसमें आप मुझे एक यू नो सो कॉल्ड जो हमारा कहते हैं एक रोमांटिक बॉय के रूप में आप देखेंगे मुझे। फिर हमारी जो कहानी है विच इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, तो सब तरह की फिल्म